For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. Hello friends, I'm Jyoti and you're watching Bollywood Spy. आप सॉन्ग सुनते हैं, आपको सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं, पर आपको पता है जो लिरिसिस्ट हैं वो कितनी मेहनत डालते हैं अपनी और उनके लिरिक्स को आप बहुत अच्छे से फील करते हैं. तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही वेल नोन लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली अमाल अरमान मलिक के नए सॉन्ग में लिरिक्स दिया है. वेल, ही इज़ नन अदर देन कुणाल वर्मा. लेट्स वेलकम इन बॉलीवुड स्पाई. हाय ज्योति एंड हाय बॉलीवुड स्पाई. पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि ये पुराना गाना उदित नारायण ने गाया है और राजेश रोशन और जावेद अख्तर ने ये लिरिक्स दिया है, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा आपको ये लिरिक्स को रिवाइव करना? इस तरह के गाने जो अपने आप में बहुत बड़े गाने हैं और उस टाइम का सबसे बड़ा गाना जिसे बोलते हैं उनमें से एक गाना ये भी था. एंड जब जावेद साहब कुछ भी लिखते हैं और उसके उसके साथ में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अगर किसी का नाम जुड़ता है, मतलब मुझे दो लाइन भी मिलती तो मैं बड़ा खुश होता, क्योंकि उनके साथ काम तो अभी तक नहीं कर पाया लेकिन उनसे मुलाकात भी नहीं हुई कभी, बट फिर भी होता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं जुड़ गया उनसे इसको लिखने के बाद में. और वो जावेद साहब को शायद अच्छा लगेगा क्योंकि हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि गाने को उसकी ब्यूटी हम बनाए रखें, उसको ख़राब ना करें. क्योंकि जब अमाल का फ़ोन आया था इस गाने के लिए कि हम ये गाना करें तो मैं बहुत एक्साइटेड भी था और सोचा था गाना एक बार सुनता हूँ, कि क्योंकि कंपैरिजन कहीं ना कहीं आता है कि हाँ पहले से इतना अच्छा लिखा हुआ गाना है उसको आप दोबारा लिखने जा रहे हो. फिर मैंने सोचा कि नहीं सुनूंगा, शायद हो सकता है मैं उसमें स्टक हो जाऊँगा या फिर वहीं घूमता रहूँगा. मैंने कहा लेट्स मीट अमाल, मैं अमाल से पूछता हूँ कि उनको क्या चाहिए ये वो. तो अमाल ने जब पूरा मुझे बताया और एक एनर्जी के साथ में कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो कुछ अच्छी लाइंस आई एंड हमने उस पर काम शुरू कर दिया गाने पे. देन फिर शिवम ने सेकंड अंतरा के लिए अमाल और शिवम ने एक सिचुएशन बताई कि इसको लेट्स सी इसको ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और मैंने कुछ उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अपने दिल की बात भी सुनी कि बहुत ईजी रहना चाहिए. आजकल क्या होता है, अब गाना सुनते हो, अब चलते चलते गाना सुनते हो. पहले लोग फुर्सत में गाने सुनते थे, अब बहुत कम लोग हैं जो फुर्सत में गाने सुनते हैं, उनको टाइम इतना मिलता है, कोई कार में सुनता है, कोई मोबाइल में चलते चलते सुनता है, तो उनको सुनने के साथ ही अगर लिरिक्स समझ में आते हैं तो वो गाना उनको बहुत कनेक्ट करता है. तो राइटिंग इसी तरह से रखी कि हम जैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी से और लगता है कि हाँ यार बात बहुत सीधे अंदाज में अच्छी बात बोल दी, तो वो लोगों को कनेक्ट करता है. तो आई होप कि हम सक्सेसफुल रहे होंगे शायद, बाकी तो पब्लिक बताएगी, सुनने वाले बताएंगे कि कैसा उनको लगा गाना. सही बताया आपने, जैसे कि पहले के जो जितने भी गाने हैं वो तो मतलब एक गाने मतलब फॉर एवर रहते हैं, और जब उसे रिवाइव करते हैं जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत सारे सॉन्ग्स रिवाइव हुए हैं, तो कैसा रहता है कभी कभी कुछ सही नहीं होता है, कुछ गलत होता है, एक प्रेशर बन जाता है दिमाग के कि हाँ बड़े लोग ने लिखा है, जावेद अख्तर जी ने जैसे लिरिक्स लिखा है, तो कितना प्रेशर आपने फील किया ये सॉन्ग के लिरिक्स लिखने? देखिए कि आप प्रेशर में हो वो तो ऑब्वियसली होना ही था, लेकिन उसको इतना सर पे बिठा दे कि इतना प्रेशर, इतना बड़ा गाना लिखना है तो लिखा नहीं जाता है. तो उस बात को साइड में रख के जब राइटिंग के लिए जब सोचना शुरू किया था तो यही सोचा था कि इसको एक अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से करते हैं. अमाल को भी वैसा ही चाहिए था, एक डिफरेंट तरीके से चाहिए था उसको, कि नहीं जो हो चुका उसको और अच्छा या फिर उसके जैसा कुछ भी जो लोगों को आज की जनरेशन को पसंद आए, बिकॉज वो 22 साल हो गए उस गाने को आए हुए, लोगों की मेंटालिटी बदल गई है, लोगों का प्यार करने का तरीका बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया है, तो किस चीज़ से वो कनेक्ट करेंगे, किस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं, एक सिंपल सी बात को किस तरह से एक बहुत अच्छे अंदाज में लिखना है. क्योंकि इस गाने में उन्होंने बोला कि अब लड़की वहाँ नहीं रहती है, वो कहीं मतलब उस शहर में नहीं रहती है, तो उसकी लाइन्स पर फिर सेकेंड अंतरा में यही डाला कि पर अब वहाँ वो रहती नहीं है, मैंने सुना है वो जा चुकी है, खाली पड़ा है शहर, तो ये लाइंस आई एंड सबको बहुत अच्छी लगी. और सेकंड अंतरा मेरा फेवरेट अंतरा है इसका गाने का, वैसे तो पूरा गाना ही फेवरेट है बट सेकंड अंतरा मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने का. आजकल रिक्रिएट हो रहे सॉन्ग्स, तो आपको क्या लगता है कितनी उन्हें कितने रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लिरिक्स के साथ, सिंगर जो गाते हैं उसके साथ? ऑफकोर्स उनको रिस्पॉन्सिबल होना तो चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे रिमेक भी आए हैं, अच्छे बुरे गाने हमेशा आते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी गलती होती है, कभी फिर इंसान सीखता भी है उनसे. मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे कोई भी गाना रिमेक दिया जाए एटलीस्ट उसका स्टैंडर्ड गिरे ना कहीं भी. मैं कोशिश करूँगा कि जितना उसको अच्छा मैं जितना मुझे ऊपर वाले ने दिया है स्किल्स दिए हैं, तो कम से कम पूरा दिल लगा के उसको उतना तो करें जितना वो ओरिजिनल में था, क्योंकि उसको उसका लेवल वहाँ से गिरेगा तो लोग
बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं जितना हमने फैन फॉलोइंग बनाया, जितने लोग अपने काम को पसंद करते हैं, क्योंकि वही लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि इस बार आपने अच्छा नहीं किया या फिर कुछ भी है, तो हम वो नहीं चाहते कि हाँ ज़्यादातर लोगों को पसंद आए काम, तो वही कोशिश रहती है। तो रिस्क बड़ा है, बट यू हैव टू डू जो भी आपको जॉब दिया जाता है उसको। आपने ये बात बहुत बिल्कुल सही कही है। अब मैं पूछूंगी कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अमाल और अरमान के साथ काम करके? सी, अमाल और मैं, अमाल हंसी के टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब मेरा गाना आया था हंसी बन गए, जो सबको पता है कि हाँ, जिस गाने की वजह से मैं हूँ आज, अमी ने कंपोज किया था वो गाना, तो वो भी बहुत सिंपल गाना था। वो गाना जब आया तो अमाल ने मुझे फ़ोन किया, उसमें कुछ लाइन्स थी, पहचानते ही नहीं अब लोग तनहा मुझे, तो उसके बाद अमाल ने मुझे फ़ोन किया कि बोले ब्रो बहुत सिंपल वे में बहुत बड़ी बात लिखी है, लेट्स मीट। और मैं जब गया घर पे तो हम लोगों ने कुछ जैम भी किया, हमने कुछ गाने बनाए, और तब से मैं अमाल को जानता हूँ। ठीक है, तो अमाल के साथ एक्सपीरियंस मेरा हमेशा अच्छा ही रहा है। हालांकि ये पहला गाना नहीं है जो अमाल के साथ मेरा बना है, लेकिन रिलीज्ड पहला गाना है, तो एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा है। अब तो अब क्या कि जब क्या होता है कि कम्फर्टेबल जो माहौल मिलता है ना आदमी को काम करने के लिए, क्योंकि मेरी भी कोशिश ये थी कि मैं सामने वाले को मैं उसको कम्फर्टेबल फील कराऊँ, उसको कहीं ये ना लगे कि हाँ हर एक तरह के माहौल में मुझे ढलना आता है। तो अमाल का जो वाइब है या उसका स्टूडियो जहाँ पे है, वहाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने नहीं पड़ते अपने आप को उसमें सेट करने के लिए। वो बहुत एक नॉर्मल और बहुत इजी वाइब्स है वहाँ की, तो हम लोग काफ़ी काम करते हैं साथ में, तो उसके साथ काम करने का तो हमेशा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है। और एज ए ब्रदर हम दोनों का एक है ट्यूनिंग, तो टच वुड की ऐसा है बना रहे। सही बात है। आपको ये लिरिक्स लिखने में कितना समय लगा पूरा? लिरिक्स इस गाने को लिखने में हमने 2-3 घंटे तो फर्स्ट डे हमने बिताए थे इस गाने के लिए, तो काफ़ी कुछ उसमें आ गया था। 1.5 घंटे में 2 घंटा लगा होगा हमको, मतलब वैसे तो प्लानिंग तो हमने फ़ोन पे भी काफ़ी कन्वर्सेशन रही है, लेकिन मेन सेटिंग हमने करी थी एक बार 2-3 घंटे घर पे करी थी अमाल के साथ में। तो फर्स्ट अंतरा और जो जो मेन इसका वो जो एक पार्ट आता है गाने में कि रहती है दिल में मेरे कैसे बताऊं उसे, तो वो एक स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया था। सेकेंड डे फिर अमाल, शिवम ये लोग जब आए और उन्होंने स्टोरी बताई ऐसा कुछ है कि वो लड़की वहाँ नहीं रहती है ऐसा वैसा, तो सेकेंड अंतरा लिखने मुझे ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं। मैं जैसे उन्होंने बताया मैंने उसी टाइम पर करके उनको दे दिया था। और टच वुड सेकेंड अंतरा बहुत अच्छा लिखा गया गाने का, एंड मुझे बड़ी खुशी है कि हाँ चलो एक अच्छा गाना बन गया है। गाने को यूट्यूब पे यू नो अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आपको उस पर क्या कहना है? सी, सबसे अच्छी बात है कि ये गाना अरमान ने गाया है, और अरमान से ज़्यादा क्यूट और अरमान से ज़्यादा फेमस यूथ में कोई ऐसा, मतलब यंग जनरेशन में कोई ऐसा सिंगर नहीं है अमाल के अलावा कि उसको इतनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग हो, बॉयज़ में बता रहा हूँ। और उसका फेस भी इतना क्यूट है, तो वीडियो में भी वो है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसने इतना अच्छा गाया गाना, पूरा दिल से उस गाने को गाया, क्योंकि उदित जी ने बहुत अच्छा गाया था लेकिन वो उस टाइम के हिसाब से बहुत परफेक्ट था। लेकिन आज अगर कोई गाना गाएगा तो मैं अरमान के अलावा शायद उसमें किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई दूसरा उस गाने को उतनी यंग वॉइस में इतना फीलिंग के साथ डाल पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि गाना कच्चे प्यार का है, जब मोहब्बत पहले पहले ही होती है, तो उसमें हम किसी बहुत मैच्योर इंसान को नहीं दे सकते हैं, तो क्योंकि वो उसका इंसाफ नहीं हुआ गाने के साथ में। लेकिन अरमान बिल्कुल यंग है और उसमें वो कच्चापन है, और सिंगिंग उसकी बहुत प्यारी है, सदी हुई फील है, तो आई थिंक कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी रहेगी गाने में। अमाल को भी सब लोग पसंद करते हैं, तो सब मिलके व्यूज़ का कुछ नहीं है, व्यूज़ तो ठीक है आएंगे व्यूज़ का तो पता है, लेकिन जब अच्छे कमेंट्स आते हैं, लोगों के हार्ट्स आते हैं, अच्छे ट्वीट्स आते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो हमने अच्छा काम किया है, दैट्स द बेस्ट सेटिस्फैक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरमान जी का कोई फेवरेट, उनका कोई सॉन्ग आपका फेवरेट है? अरमान के मुझे काफ़ी सारे गाने मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट तो है मैं रहूँ ना रहूँ, जो विराग सर ने लिखा है, उनकी राइटिंग तो मैं हमेशा फॉलो भी करता हूँ और उनका सबसे बड़ा दीवाना मैं हूँ। तो उनका गाना था मैं रहूँ ना रहूँ, उसमें मुझे सबसे अच्छा गाना अमाल का वो अरमान का स्पेशली वो लगता है। उसके बाद बोल दो ना ज़रा है, और भी बहुत सारे गाने हैं, तेरे मेरे हैं, यस। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आपके फेवरेट लिरिसिस्ट रश्मि विराग हैं। एक्चुअली उनसे मेरा राइटिंग के अलावा भी एक कनेक्शन है कि उनसे एक प्यार है, वो मेरे मेंटोर हैं, हम दोनों ट्रैवलिंग पार्टनर्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं वो मुझे, तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा मोहब्बत ज़्यादा है। ऐसे मेरे फेवरेट राइटर और भी हैं, जैसे आनंद बख्शी साहब थे, गुलजार साहब हैं, और अपने
अमिताभ भट्टाचार्य उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज वो बहुत कमर्शियल राइटर हैं, उनकी राइटिंग को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो कुछ लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, विराग सर थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए। जाते जाते कुछ अगर आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सके हमारे व्यूअर्स को। अभी हाँ, फिलहाल इसी मंथ में एक सिंगल और आएगा, मैं उसका अभी नाम नहीं ले सकता, बट इट्स अ बिग सिंगल, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है और बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है इसके साथ। कुछ मूवीज़ भी हैं बट अभी तक 2-3 महीने बाद ही शायद कुछ उनके बारे में कुछ आएगा, तो लेट्स सी, कुछ 4-5 फिल्में हैं इस साल, तो जब आएगा तब आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एज अ लिरिसिस्ट, जिस भी तरीके से जो भी मुझे काम आता है आई एम थैंकफुल टू यू। मैंने जो भी करना चाहे सिर्फ आप लोगों के लिए किया है कि हाँ ठीक है आपको पसंद आएगा, मुझे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। कीप सपोर्टिंग मी, एनकरेज करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।